संसद में हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण लोकसभा में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर जमकर हंगामा हो गया। बता दें कि राहुल गांधी पिछले हफ्ते लंदन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज लेक्चर में कहा था कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और इसको लेकर बीजेपी सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। इसके बाद दोनों पार्टी के बीच माफी मांगो नहीं मांगी कि किस्तान में दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।